विनोद चौधरी, आज एक्सरसाइज अपन 11.3 के एग्जांपल शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.3 के एग्जांपल। 11.3 का जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, ये एग्जांपल सप्लीमेंट्री के अंदर पूछा हुआ है 2019 में, तो ये 3 नंबर के अंदर पूछ सकता है। तो इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि ये जो ए बी है इस पे ए क्यू बी परपेंडिकुलर है, लम है, और पी बी बी ए बी परपेंडिकुलर है, और आपको ए बी पूरी ए बी की वैल्यू दे रखी है 16, ओ क्यू इस ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है 5√13, ये 5√13 दिया हुआ है, और ओ पी है वो है 3√13 सेंटीमीटर। तो आपको ए ओ और बी ओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है 11.3, वो सिमिलर ट्राइंगल करके अपन उसमें उनकी जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इन दो त्रिभुज समरूप करके और उनके जो संगतव्य है, जो भुजाएं हैं, वो अनुपात में लिख करके और इस सारी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे। तो समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो समानुपात में होती है, यानी उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है, उस रूल से अपन ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो त्रिभुज दिए गए हैं, इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप करना है, और समरूप करने के बाद इसमें जो भुजाओं का मान दिया हुआ है वो लिख करके और जो अननोन है उसका अपन मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए बी पूरी का मान दिया हुआ है अपने को, इनका पार्ट वाइज आपको ज्ञात करना है। तो पूरी ए बी 16 है, तो आप मान लो ए ओ को आपने एक्स मान लिया, बी इसको एक्स मान लोगे, पूरी ये 16 है तो ये हो जाएगी 16 - x, अगर पूरी 16 है तो इसको आपने एक्स मान लिया, तो ये ए ओ एक्स है, तो ओ बी कितना हो जाएगा, ये पूरी 16 है तो ये 16 - x हो जाएगी। चाहो तो आप ओ बी को एक्स मान लो तो ये 16 - x हो जाएगी। तो इन दोनों का जो जोड़ है, ए ओ और बी ओ का जोड़ कितना है, 16 है, क्योंकि पूरी ए बी 16 दिया हुआ है। अब इन दोनों त्रिभुजों में अपने पास भुजाओं के जो मान है उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें प्रमेय लगाएंगे, जो त्रिभुज की भुजाएं वो समानुपात में होती है। तो त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को आपको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के जो इक्वल है उसके हिसाब से आपको लेना है। पहला त्रिभुज अपन कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरा है उसके संगतव्य वो पहले के अनुसार लिखेंगे। तो पहले जैसे इस त्रिभुज का नाम मैंने ए ओ क्यू लिख दिया, त्रिभुज ए ओ क्यू, उससे पहले आप ये लिख दो कि माना आपने जो ए ओ माना है वो एक्स है, और ओ बी हो जाएगा वो 16 - x, लेट ए ओ इज इक्वल टू एक्स एंड ओ बी इज इक्वल टू 16 - x सेंटीमीटर हो गया ये। अब ए ओ क्यू, ए ओ क्यू लिया है तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, देखो ए पे 90 का है तो इधर बी पे 90 का है, पहला ए है तो इधर ट्राइंगल से स्टार्टिंग होगा वो बी से, उसके बाद ओ बिंदु वाले दोनों है वो वर्टिकल अपोजिट होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे, तो ओ इधर बीच में है, मिडल में लिया हुआ है तो इधर भी मिडल में, और तीसरा पॉइंट बच गया बी ओ हो गया, तो तीसरा बच गया ये पी, इन दोनों त्रिभुज के अंदर। तो इनके संगत भाग पहले के अनुसार दूसरे के ले लिए गए हैं, तो इनमें जो जो एंगल बराबर है वो लिखेंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में आपको सिर्फ दो एंगल अगर बराबर कर दो तो दोनों ए ए रूल से सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें एक तो कोण जो ए है तो इधर वो कोण बी के बराबर है, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। और दूसरा ओ वाले एंगल को आप चाहो तो ए और क्यू ऐसे लिख दो, अदरवाइज 1 और 2 एंगल से लिख सकते हो, एंगल 1 के इक्वल एंगल 2 है, ये कौन से वर्टिकल अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो दो कोण बराबर हो गए, दोनों कोणों के बराबर होने से त्रिभुज ए ओ क्यू सिमिलर हो गया है त्रिभुज बी ओ पी के, कौन से रूल से, ए ए सिमिलरिटी रूल से हो गया। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो बाय सी पी एस टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुजों के संगतव्य जो अनुपात में होते हैं, तो यहां पर ए ओ ए ओ के बट्टा में हो जाएगा बी ओ, दूसरा तीसरा ओ क्यू के बट्टा में हो जाएगा ओ पी, पहला तीसरा ए क्यू के बट्टा में हो जाएगा बी पी। अब यहाँ पे अपने पास जो जो वैल्यू है वो अपन दो ले लेंगे, क्योंकि ये तीनों एक रेशियो इक्वल है, तो इस वजह से अपने को कोई दो लेने हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू है वो ए और ओ बी की है, ए और ओ बी की है तो ये दोनों लेंगे, उसके बाद में आपके पास ओ पी और ओ क्यू की है तो ये दोनों लेंगे, यानी ये दोनों आप बराबर इन तीनों में से, तो ए ओ के बट्टा में बी ओ बराबर ओ क्यू के बट्टा में ओ पी। अब ए ओ की वैल्यू, ए ओ का मान कितना माना था, x बट्टा में, बी ओ कितना माना था, 16 - x, ओ क्यू का मान दिया हुआ था, ओ क्यू का मान दिया हुआ था 3√13,
बटा में ओपी का मान दिया हुआ था 5√13, तो √13 से तो √13 कट गया। अब जो बाकी बचा हुआ है उसका वज्र गुणा कर देंगे, बाकी जो बचा है वो है एक्स बटा में 16 − x = 3/5, तो इनका वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो वज्र गुणा करने पर एक्स का तो देखो इसमें आप बड़े वाले पहले कर लो, 5 का x होगा 5x आएगा, 3 का x होगा तो 3x आएगा, तो 5x वाला पहले लिख लो 5x = अब 16 का 3 से होगा और 3 का x से भी होगा, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा 48 − 3 का x होगा तो 3x हो गया। अब ये 5x है वो 3x इधर आएगा, पक्षांतरण हो गया तो प्लस का 3x = कितना है 48, 5 और 3 हो गया 8x = 48, तो x का मान कितना आ गया 48/8, 8 की टेबल में 48 कितनी बार आएंगे 6 बार, तो x का मान आ गया 6। तो x तो कौन था, x अपन ने माना था AO, तो AO का वैल्यू तो आ गया है 6 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो OP था वो क्या था 16 − x, तो ये 16 − x था यानी 16 − 6, तो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ये AO तो आ गया 10 और OP आ गया है 6 सेंटीमीटर। ये सप्लीमेंट्री के अंदर आया हुआ प्रश्न है, तो ये 3 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से कीजिए।